नए साल के शुरू होते ही झारखंड का सियासी पारा बढ़ने लगा है। ये सियासी सरगर्मी तब तेज हुई जब गांडे विधानसभा से जेएमएम विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया। कुछ ही महीने बाद लोकसभा व राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के इतर दो राज्यसभा सांसद की कुर्सी खाली हो रही है। एक है चर्चित कांग्रेस सांसद धीरज साहू और दूसरे भाजपा सांसद समीर उरांव। दोनों का ही कार्यकाल मई महीने में पूरा हो रहा है और अब ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि राज्यसभा सांसद सीट का नया उम्मीदवार कौन होगा। आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर और मैं हूं श्रेया। दोनों ही खेमों में अब अपने अपने उम्मीदवारों को फॉर्मूला सेट करने में जुट गए हैं। इन चर्चाओं के बीच अब खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस की सीट पर झामुमो अपनी दावेदारी पेश कर सकती है। पिछले दिनों गांडे सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद या उनके बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। इस प्रकरण में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व गांडे विधायक सरफराज के इस्तीफे पर राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांडे विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे का सौदा 200 करोड़ रुपए और राज्यसभा सीट के बदले में हुआ है। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 2019 में झारखंड में कांग्रेस राजद महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी। इसके बाद से राज्यसभा के दो चुनाव हुए और दोनों बार सीट झामुमो के खाते में ही आई। वहीं मार्च 2020 में झामुमो अध्यक्ष सिबू सोरेन और दूसरी बार 2022 में महुआ मांझी को राज्यसभा भेजा गया। बता दें कि इस बार झारखंड से कांग्रेस कोटे की सीट खाली हो रही है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि कांग्रेस का स्वाभाविक दावा तो बनता है, लेकिन गठबंधन धर्म में सर्वसम्मति से फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में झामुमो के पास अब 29 सीटें हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए प्रत्याशी को 28 वोट की जरूरत पड़ेगी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इस मसले पर कहा कि पार्टी के केंद्रीय स्तर पर ही फैसला किया जाएगा। अब इस मसले पर क्या कुछ होता है, आगे हम इससे जुड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।